जब जगन्नाथ जी गुंडीचा जा रहे हैं अपने अभी राधा रानी से मिलने, एक सेपरेशन जो महसूस हो रहा है, वैसे ही एक भक्त के नाते, एक अनवर्दी वर्थ भक्त हूँ मैं, लेकिन एक जो सेपरेशन मेरे को अभी जो रियल में सेपरेशन फील हो रहा है वो आज मैं महसूस कर रहा हूँ कि जगन्नाथ जी आए और अपने भक्तों को आज सभी को दर्शन दे, और वो ही एक मेरी प्रार्थना रही थी और आज मैं वहीं पे वेट कर रहा हूँ, तो इससे बड़ी कृपा मेरे पास नहीं पहुँच सकती, तो मैं बहुत ही बहुत खुश हूँ। ये सौभाग्य है हमारा कि आज हम जगन्नाथ जी की जो रथ यात्रा है उसमें शामिल हो रहे हैं। एक बचपन से ही उत्कंठा थी, चूँकि मैं उड़ीसा से नहीं हूँ, आज मुझे सौभाग्य मिला कि मेरा यहाँ पोस्टिंग है और मुझे आने का सौभाग्य मिला, मैं उसके लिए ईश्वर का धन्यवाद देता हूँ। और जो अरेंजमेंट्स किए गए हैं, इतने लोगों को संभालना और पूरी सफलता के साथ अपने रथ यात्रा का संपादन करना एक बहुत ही कठिन कार्य है, तो मैं प्रशासन को भी धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने बहुत अच्छे अरेंजमेंट किए हैं। और मैं सभी जो डिवोटी हैं जगन्नाथ जी के, उनको बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। टू बी ऑनेस्ट, मेरे लिए वन स्टॉप सॉल्यूशन है जगन्नाथ जी टेम्पल। व्हेनेवर आई एम सफरिंग फ्रॉम समथिंग, सो मेरे को हमेशा ऐसा रहता है कि मैं जगन्नाथ जी के टेम्पल आ जाऊँ और मेरे सब कुछ सॉर्ट हो जाता है। तो जैसे कहा जाता है कि जगत के नाथ है वो, तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है कि मैं यहाँ पे आके उनका दर्शन करके मैं रथ खींच पाती हूँ, तो मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। और बाकी बस यही हो रहा है कि उनका सेवा हमेशा मैं करते रहूँ, क्योंकि मेरे पापा दादू सब आते रहे, तो पीढ़ी दर पीढ़ी चलते आ रहा है, तो मैं भी इस पीढ़ी को आगे बढ़ाते रहूँ और अच्छे से उनका आशीर्वाद रहे। जय जगन्नाथ। ये हमारे गुरु जी के कृपा से ये हमारा सौभाग्य है कि जगन्नाथ जी का दर्शन हमको मिलेगा, हमारे गुरु जी के आशीर्वाद से आए हैं और बहुत श्रद्धा से हम लोग चाह रहे हैं भगवान जी दर्शन दे अच्छे से, और उनको कोटि कोटि प्रणाम करते हुए उनके दर्शन चाहते हैं।